बिहार के बच्चों में कुछ तो है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। जो जज्बा बिहार के बच्चों में देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार के सामने सिस्टम की पोल खोलने वाले सोनू को तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसी बहादुर और हौसले से ओतप्रोत 10 साल की सीमा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और गजब की बात तो यह है कि सरकार ने आश्वासन भले ही दिया हो लेकिन अभी तक सोनू को भी मदद नहीं मिल पाई, तो इस बिटिया की मदद की सरकार से उम्मीद भी कैसे की जाए। इन दोनों ही बच्चों की मदद करने का ऐलान भी किसी फरिश्ते ने किया है, वो भी आप इस रिपोर्ट में देखिए। भले ही बिहार की पहचान एक पिछड़े राज्य के रूप में हो, भले ही यहाँ के नेता लोगों को भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हों, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। हाल ही में एक छोटे बच्चे सोनू का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, एक बार फिर देख लीजिए। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर। अब ऐसे ही एक 10 साल की बच्ची का वीडियो भी वायरल हो रहा है जो बिहार के जमुई की बताई जा रही है। दुर्घटना की वजह से इस बच्ची का एक पैर कटवाना पड़ा, लेकिन बच्ची का जज्बा तो देखिए, अध्यापिका बनना चाहती है और अपने ही जैसे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है। एक पैर के सहारे ही स्कूल तक पहुंचती है और पढ़ाई करती है। सोनू और सीमा के जज्बे को हर कोई सलाम करने को मजबूर है। नेता भी इनकी तारीफ कर रहे हैं, इनके हौसले को सलाम कर रहे हैं, तो कुछ नेता फोटो सेशन के लिए इन बच्चों के पास पहुँच भी जाते हैं। लेकिन सोनू ने जैसे बिहार के सिस्टम की पोल खोली, अगर कुछ और बच्चे ऐसे ही सामने आ जाएं तो सरकार और सिस्टम की सारी पोल पट्टी खुल जाए। लेकिन सिस्टम शायद बेशर्म है। बेशर्मी की हद तो देखिए, पहले सीएम आश्वासन देते हैं, काम नहीं होता। पूर्व डिप्टी सीएम सोनू की बातों पर हंसते दिखाई देते हैं लेकिन मदद के नाम पर इनकी भी जेब खाली। तो वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इस बच्चे की पढ़ाई करवा पाने में नाकाम साबित हुए। पप्पू यादव बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, सोनू को गोद में उठाते जरूर हैं, लेकिन सोनू के लिए किया क्या? नेता चाहे सत्ता से जुड़े हों या विपक्ष में हों, इनकी औकात का पता यहीं से चलता है कि एक बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला तक नहीं दिला पाते। अगर कोई सरकार से अलग इन बच्चों को मदद पहुंचा रहा है तो उन पर भी सवाल उठाते हैं। कोरोना काल में एक फरिश्ते के रूप में सामने आए अभिनेता सोनू सूद ने इन दोनों बच्चों को भी मदद पहुंचाई, लेकिन सरकार से जुड़े लोग और बिहार के नेता अगर एक सोनू का एडमिशन नहीं करवा पाते हैं तो खुद ही समझ लीजिए कि ये जो लोग चुनावी समर में आपकी तकदीर बदलने का वादा करने के लिए आपकी चौखट पर पहुंचते हैं, ये कितने आपके हितैषी हैं और कितने निर्लज्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।